हरियाणा की सियासत के ताऊ चौधरी देवीलाल की विरासत संभाल रहे चौटाला परिवार की एक समय तूती बोलती थी। चौटाला परिवार के बिना राज्य की सियासत अधूरी है। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में जन्मे चौधरी देवीलाल के हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा। चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने और उनकी सियासी विरासत को ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया, जो हरियाणा के सीएम भी रहे। देवीलाल के नाम की बदौलत उनकी चौथी पीढ़ी भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन अब न सियासत के किंग रहे और ना ही किंग मेकर। अब तो चौटाला परिवार को विधानसभा चुनाव में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की भी चुनौती है। आज़ादी के बाद 1992 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल विधायक बने। इसके बाद सियासत में मुड़कर पीछे नहीं देखा। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य की मांग उठाई। पंजाब से हरियाणा बनने के बाद उनके मुख्यमंत्री बंसीलाल से खटपट हो गई। मतभेद इतने गहरे हो गए 1968 में मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने देवीलाल को टिकट ही नहीं दिया। देवीलाल का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और 1971 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। इसके बाद आपातकाल के दौर के सक्रिय हो और जनता पार्टी के हरियाणा में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। देवीलाल ने हरियाणा की सियासत में ऐसी जड़ें जमाई कि 1977 और फिर 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे। देवीलाल के चार बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह, प्रताप सिंह और जगदीश सिंह। इस तरह देवीलाल की सियासत वारिस बनकर ओम प्रकाश चौटाला उभरे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बेसिक टीचर भर्ती घोटाला में घिरे जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की सियासत पर संकट गहरा हो गया। यही से चौटाला परिवार की सियासत फिर से उभर नहीं पाई। पार्टी भी दो धड़ों में बट गई। हालांकि चौटाला परिवार में उसी समय दरार पड़ गई थी जब ओम प्रकाश चौटाला सियासत में आए थे। चौधरी देवीलाल ने अपने सियासी वारिस ओम प्रकाश चौटाला को चुना तो उनके दूसरे बेटे रणजीत चौटाला ने दूरी बना ली। इसके बाद रणजीत चौटाला ने अपने पिता को लोकदल से किनारा कर दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। सिरसा की रानिया विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्मभूमि बनी। कांग्रेस से लेकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। 2019 में उन्होंने निर्दलीय विधायक बनने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार को समर्थन देकर मंत्री बने, लेकिन अब उन्हें अपने सियासी वजूद की चिंता सता रही है। रणजीत चौटाला 2024 में सिरसा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। अब उनकी सीट रानिया सीट से गोपाला कांडा के भाई अपने बेटे को चुनाव लड़ाने चाहते हैं, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में रणजीत चौटाला के लिए कशमकाश की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी से बागी हो चुके हैं। इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें अपनी जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने रणजीत विरासत छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंप दी। वो इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत चौटाला गांव से की और उप सरपंच का चुनाव जीता। 2000 में वो सिरसा की रोड़ी सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2009, 2014 और 2021 में भी विधायक बने। इनेलो को दो धड़ों में बढ़ जाने के बाद अभय चौटाला के लिए अपने सियासी वजूद को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो से सिर्फ अभय चौटाला ही जीतने में सफल रहे और 2024 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर किस्मत आजमा रहे थे। अभय चौटाला ने हरियाणा में दलित और जाट समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई बनती दिख रही है। ऐसे में अभय चौटाला के लिए खुद को साबित करने की ही नहीं बल्कि चौटाला परिवार की सियासी विरासत को बचाने की भी चुनौती है। और अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला भी राजनीति में उतर आई हैं। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रही हैं। ऐसे में देखना है कि अभय चौटाला इस बार क्या सियासी गुल खिलाते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।